बात करेंगे ईसीएस T10 के आज के होने वाले एक और मैच की, तो यहाँ पे एक डेली गिवअवे कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन भी रखा गया है, जिसका सही जवाब दे करके आप में से कोई एक लकी विनर 500 रुपये विन कर सकता है। एक तरफ यहाँ पे BYB की टीम है, जिन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है, 5 मैच इन्होंने खेला है, 4 इन्होंने विन किया है, 1 इनका नो रिजल्ट रहा है। ARS की टीम की बात करूँ, बहुत ख़राब परफॉर्मेंस कर रही है, 7 मैच खेला है, 1 मैच इन्होंने विन किया है, 6 मैच ये हार के आ रही है। तो आपको पता ही लग गया हो कि किस टीम के फेवर में हमको टीम बनानी है। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले BYB की टीम की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। इनकी तरफ से जो ओपनिंग करने आएंगे, वसीकरण ओपनिंग करने आएंगे एस इंद्रम के साथ, ये दोनों ही बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अभी तक हाफ सेंचुरी नहीं है इनके नाम, लेकिन 43 बनाया था, 1 में 38 बनाया था, 1 में 22 बनाया था, तो ये एक यूजफुल प्लेयर है, आपको लेना चाहिए ओपनिंग करने आते हैं। एस इंद्रन ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 51 और 41 की दो अच्छी इनिंग आई है 4 मैच में, 1 मैच ये 5 रन पे लास्ट मैच में आउट हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पे आपको ये दिखाई देंगे राजा कुल सिंघम, इनकी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 1 मैच में 69 बनाया है, 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे, लास्ट मैच 46 बनाया था, 1 में 26 बनाया था, ये भी बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है, तो इनका टॉप 3 आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगर इनकी टीम की पहले बैटिंग आती है, BYB की अगर पहले बैटिंग आती है, तब संदीप राठौड़ की भी बैटिंग आ सकती है। इन्होंने 2 मैच में बैटिंग की है, 1 में 77, 1 में 37 की बहुत तेज़ इनिंग खेली है। तो यहाँ पे आपको ये बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि अगर पहले बैटिंग आती है तभी संदीप राठौर को लेना, अदरवाइज इनको मत लेना, ठीक है? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनका जो टॉप 4 है बहुत तगड़ी बैटिंग कर रहा है, ये इनका टॉप 4 है, बहुत शानदार प्लेयर्स हैं। अब यहाँ पे ये जो टॉप 4 ही है, एक भी ओवर बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। अब इसके बाद जो इनकी टीम में बॉलिंग करा रहे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। एक है अशोक हार्दिक, ये 2 ओवर बॉलिंग कराएंगे, लास्ट मैच में इन्होंने 3 विकेट भी लिया था, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। पहले मैच में इनकी बैटिंग आई थी, 26 रन भी बनाया था और 2 विकेट भी लिया था 2 ओवर में, ये बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, ठीक है, बट बैटिंग आना मुश्किल है बिकॉज इनका टॉप 4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद यहाँ पे मुरली प्रसाद आपको बॉलिंग करते हुए 2 ओवर दिखेंगे, इन्होंने भी 1 मैच में 3 विकेट लिया था, लास्ट मैच में 1 विकेट मिला था, लगातार 2 2 ओवर ये भी करा रहे हैं। फिर इसके बाद P. प्रभा आपको देखने को मिलेंगे, ये भी 2 ओवर कन्फर्म कराएंगे, एक एक विकेट इनको मिल रहा है, ज़्यादा विकेट अभी तक नहीं मिला है, 2 ही विकेट मिला है 4 मैच में। फिर आपको आपको महेंद्रन दिखाई देंगे, इनका भी 2 ओवर कन्फर्म है, लास्ट मैच में ये भी 3 विकेट इन्होंने लिया था, पहले 2 मैच में इन्होंने बॉलिंग नहीं कराई थी लेकिन लास्ट मैच में कराई और इनको 2 विकेट मिला, ठीक है। लास्ट मैच में ओवर काट लिया गया था, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो सकता है इनको बॉलिंग दे दी जाए। लास्ट मैच में इनको बॉलिंग नहीं दी गई जबकि ये लगातार इसके पहले बॉलिंग करा रहे थे, और इनको 2 मैच में एक एक विकेट मिला भी है। तो अरिथरन को अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, कंफर्म नहीं है बॉलिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिल सकती है बॉलिंग, ठीक है। एक और प्लेयर यहाँ पे है जिनको मैंने अभी नहीं लिया, आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, वो है यहाँ पे एस विग्नेश, ये भी लगातार 2 ओवर बॉलिंग करा रहे हैं, इन्होंने 2 मैच में 2 2 विकेट लिया भी है, लास्ट मैच में इन्होंने 1 ओवर बॉलिंग कराई थी, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केवल 20% का सिलेक्शन है, बहुत यूजफुल प्लेयर आपके लिए होने वाले हैं, तो इतने प्लेयर्स में से ही आपको लेना है। और एक और प्लेयर मैंने जो आपको बताया, ये चूंकि मजबूत टीम है, 9-10 प्लेयर भी लोगे तो कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ पे ARS की टीम की बात कर लेते हैं, जो कि अभी तक फ्लॉप रही है, 7 में से इन्होंने 1 ही मैच जीता है। इनकी टीम की तरफ से ओपनिंग करने आएंगे सुगथन, सुगथन की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, लास्ट मैच में 47 बनाया था, 2 मैच में इन्होंने 2 2 ओवर बॉलिंग भी की है और 1 1 विकेट लिया भी है, लास्ट के 3 4 5 मैच से इनको बॉलिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, बट प्लेयर इंपॉर्टेंट है। यू अली की अगर मैं बात करूँ, ये 1 डाउन बैटिंग करने आएंगे, ये भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, 17 रन, 23 रन, 27 रन, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो या तो नहीं भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि सामने वाले टीम के आपके 8 9 प्लेयर तो आपको लेने ही है, तो आप इनको हटा सकते हो अपने टीम से। जो जो ऑप्शन है वो मैंने यहाँ पर लिया है, एक और ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, वी रेड्डी भी अच्छे प्लेयर ओपनिंग करने आ रहे हैं, बट बैटिंग से केवल 1 मैच में इन्होंने 48 बनाया है, 2nd मैच में, बाकी सभी में फ्लॉप रहे, 1 मैच में 1 ओवर करके 1 विकेट लिया था, बाकी ये सभी में फ्लॉप रहे, अदरवाइज ये कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, रिकॉर्ड इनका बहुत अच्छा है। T10 के 18 मैच में वरुण रेड्डी ने टोटल 382 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं,
यानी कैपेबिलिटी है इनके अंदर, बट अभी इस सीजन अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो इनको आप याद रखना, आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जैड हसन का ऑप्शन है जो कि बॉलिंग सेक्शन में दिए हुए हैं, लेकिन बहुत तगड़ी बैटिंग भी कर रहे हैं। लास्ट मैच में भी 26 बनाया था, दो दो ओवर ये करा रहे हैं बॉलिंग। 18 रन भी एक मैच में बनाए थे, एक मैच में 38 बनाए थे, यानी बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, तो इनको भी आप अपनी टीम में कंसिडर कर सकते हो। तो एक प्लेयर को और मैंने ऐड किया है, इनको आप हटा देना, ये कुछ खास नहीं कर पा रहे, ओपनिंग कर रहे हैं बट इनका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे मैंने किसी दूसरे प्लेयर को ऐड किया है, जैड हसन को, अच्छे प्लेयर है। इसके बाद यहाँ पे आपको ई हासमी देखने को मिलेंगे, ये भी बैटिंग तगड़ी कर रहे हैं, एक मैच में इन्होंने 41 बनाया था, वैसे लास्ट के कुछ मैचेस से ये फ्लॉप जा रहे हैं, दो दो ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, एक मैच में दो विकेट लिया था, तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद कुछ और प्लेयर हैं जिनको मैंने अपनी टीम में लिया हुआ है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मैंने लिया हुआ है इनायत को। इनायत की बात करूँ, लगातार दो ओवर बॉलिंग करा रहे हैं, विकेट भी इनको मिल रहा है, लास्ट मैच में नहीं मिला था, एक दो विकेट इनको मिल जा रहा है, तो ये कैप्टन भी है टीम के, इंपॉर्टेंट है। इनके सबसे ज़्यादा विकेट टेकिंग बॉलर हैं वो हैं ए सिरजाज, जिनको आप CVC भी कर सकते हो, लेकिन सामने वाली टीम की बैटिंग बहुत तगड़ी है, इनको CVC करोगे हो सकता है विकेट ना मिले इस मैच में, लेकिन इन्होंने लगातार विकेट लिया है, लास्ट मैच में दो विकेट, एक मैच में तीन विकेट, फिर दो विकेट, दो दो विकेट दो बार ले चुके हैं, कोई भी ऐसा मैच नहीं गया जिसमें इनको विकेट ना मिला हो। तो इतने सारे ऑप्शन इनके टीम में जिनको आप अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे कुछ इस तरीके की टीम बनकर तैयार हुई। एस राठौर को याद रखना, अगर पहले बैटिंग आती है BYB की तो उनको आपको टीम में लेना है, भले ही आप इनको हटा देना, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। CVC की अगर बात करूँ तो इनका जो टॉप ऑर्डर है, एस इंद्रन हो गए, इसके अलावा ये हो गए, इसके अलावा ये हो गए, ये सभी, ये तीनों आपके लिए CVC के अच्छे चॉइस है, और तीनों ने ही बड़ी बड़ी इनिंग खेली हुई है। इसके अलावा विकेट टेकिंग बॉलर हैं यहाँ पे ए हार्दिक, ये बहुत विकेट्स लेते हैं, और अगर आपको दूसरी टीम का बनाना है तो ए सिरजात को हर एक मैच में विकेट मिला है, इनको आप VC कर सकते हो, ठीक है। तो इतने ऑप्शंस हैं आपके पास। डेली गिव अवे कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है, आज कौन सा प्लेयर प्लेयर ऑफ द मैच होगा, #SagaFlashback #BYB vs ARS आपको देना है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट दोस्त अंकुरी साइनिंग आउट, बाय बाय।